सीधी में कानून व्यवस्था किस तरह डगमगाई हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुसमी में पदस्थ तहसीलदार लवलेश मिश्रा के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई। हालत गंभीर होने के कारण उनको रीवा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सीधी में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उनको अब पुलिस का भी डर नहीं रहा। आदिवासी ब्लॉक कुसमी में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मिश्रा जब अपने शासकीय आवास के सामने शाम के वक्त घूम रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद कर्मचारियों द्वारा उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। घटना की जानकारी लगते ही सीधी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मिश्रा से मिलने पहुंचे, जिसके बाद हालत नाजुक होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। और ये चूँकि जितने अभी प्रारंभिक जो जानकारी है, जो परिवार के लोगों से भी बात हुई है, शायद वॉक कर रहे थे उस समय किसी को उन्होंने कुछ टोका है कि ड्रिंक करके पी करके जा रहे होते, तो उनमें से दो लोग थे, एक दूसरे दिशा में गए, दूसरे भी गए बाइक पे। और फिर जिसकी संभावना लग रही है, ये सब सभी या तो वो वापस में आए हैं, मैं कुछ ना कुछ वहाँ एजुकेशन हुआ है, तो पुलिस के परिवार को दल गए हैं जो ढंग से किसी एस पी भी नहीं है, बाकी सब ने काफ़ी बिजी रखा और उसमें लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।